हाय फ्रेंड, मेरे हमारे चैनल में आपका आज फिर से वेलकम है। आज हम आपके सामने जो प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, देखिए वो बिल्कुल डिफरेंट डिशेज़ हैं हमारी सभी डिशेज़ से। ये चारों मगज आज हम आपके सामने बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये चारों मगज हमने लिए हैं, 200 ग्राम चारों मगज लिए हैं हमने। और इसमें हम जो सामग्री हमें चाहिए वो प्याज होती है। देखिए हमने 250 ग्राम इसमें प्याज लिए हैं। प्याज को हम मिक्सर में पीस लेते हैं और हमें इसके में ऑयल की ज़रूरत होती है। हम इसमें 150 ग्राम ऑयल लेते हैं और देखिए पिसी हल्दी बहुत कम लेनी होती है। पिसा धनिया हमें 1 टीस्पून लेना होता है और पिसी मिर्च हमें 1 टीस्पून लेनी होती है। और देखिए ये हरी मिर्च भी हमें इसमें लेनी होती है, 8-10 पीसेज हम ले लेते हैं। और ये हरे धनिया हमें इसमें लेना होता है और गर्म मसाले की इसमें आवश्यकता होती है। और हम इसमें नमक लेते हैं, नमक की हमें इसमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये चारों मगज हम अच्छे से धुलकर इनको 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं और फिर इनको मिक्सर में पीस लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा आने वाली वीडियो आसानी से देख सकें। सो वेट एंड वॉच। देखिए अब हम इनको मिक्सर में पीसते हैं। ये देखिए आधा किलो वाटर की हेल्प से हमने इन्हें मिक्सर में पीस लिया है। मिक्सर में पीसने के बाद अब हम इसका मसाला फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस बर्तन में हमें इसको बनाना होता है वो बर्तन लेते हैं और उसको फास्ट फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए ऑयल डालकर हमने इसको फास्ट फ्लेम पर बनने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम इसमें गर्म मसाले का यूज़ करते हैं। गर्म मसाला फ्राई हो जाए तो हम इसमें पीसी प्याज डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला देते हैं। अब ब्राउन होने तक हमें इसको फास्ट फ्लेम पर ही बनाना होता है। प्याज को हमें ब्राउन करना होता है, अच्छे से इसको फ्राई करना होता है। हमें देखिए प्याज को हम फास्ट फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं और इसको बीच बीच में हम चलाते रहते हैं। अभी हमारी प्याज ये अच्छे से ब्राउन नहीं हुई है, हमें इसको अच्छे से ब्राउन करना है ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए, तो इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। देखिए प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, फास्ट फ्लेम पर हमने इसको फ्राई किया है। बाद देखिए हम क्या करते हैं, पिसी हल्दी, पिसी मिर्च और पिसा सूखा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्च हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें 125 ग्राम वाटर डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसमें 1 टीस्पून हमें नमक डालना होता है। ये देखिए हमारा मसाला फास्ट फ्लेम पर भून रहा है। इसी तरह से हम इसको फास्ट फ्लेम पर भूनते हैं जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है। इसके बाद देखिए हम क्या करते, इसके बाद हम ये पिसे मगज इसके अंदर डाल देते हैं और इसमें आधा किलो वाटर डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए आधा किलो वाटर डालकर हमने मगज को मिक्सर में पीसा था और आधा किलो वाटर हमने अब इस टाइम डाला है। तो अब हम इसको फास्ट फ्लेम पर बनाते हैं। देखिए हम नमक टेस्ट कर लेते हैं, अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम है तो हम इसमें और नमक का यूज़ करेंगे। ये देखिए हम इसको फास्ट फ्लेम पर बना रहे हैं और बीच बीच में हम इसको चलाते रहते हैं। हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है और हम नहीं चलाएंगे तो इसमें गुड़िया बन जाएंगी। ये देखिए जब ये बॉयल होने के लिए आता है तो हम इसको रेगुलर चलाते हैं, नहीं तो बॉयल हो जाएगा। इसलिए हमें इसको रेगुलर चलाना है, बॉयल नहीं होने देना हमें इसको। ये देखिए हमें इसको किसी बड़े बर्तन में बनाना होता है जिससे कि ये बॉयल होने के बाद जिस बर्तन में हम बना रहे हैं निकलने ना पाए, तो इसलिए हमें बड़ा बर्तन लेना होता है। जैसे कि ये सब मटेरियल डालने के बाद, वाटर डालने के बाद जिस बर्तन में हम बना रहे हैं सिर्फ वो हाफ हो पाए और आधा हो जाए और आधा रह जाए, उसी बर्तन में हम इसको बनाएंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ये बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉयल होते हैं। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें हरा धनिया डालकर और गैस को स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा रेडी हो जाता है। ये बहुत स्पेशल डिश है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। आप इसको गेस्ट के सामने भी सर्व करें, ये बहुत टेस्टफुल होती है। आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वीडियो।